दोस्तों दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में केले के पौधे में सबसे ज़्यादा जिस न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी दिखाई देती है वो है कैल्शियम और बोरोन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी को आप पत्ते देख करके किस तरीके से पहचान सकते हैं। हालांकि कुछ सिम्टम्स जो इसके होते हैं वो मैंने उस पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है, और उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हम देख करके बता सकते हैं कि हमारे केले के पौधे में कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। देखिए, कैल्शियम और बोरोन की जो डेफिशिएंसी होती है वो सबसे पहले नए निकलने वाले पत्ते पर ही दिखाई देती है। उसमें क्या होता है कि जो पत्ती की जो मार्जिन होती है वो बिल्कुल डी शेप हो जाती है, मतलब कहीं से पत्ता पतला हो जाएगा, कहीं से चौड़ा हो जाएगा, और कहीं कहीं से तो सिर्फ मिडरिब ही रह जाती है, बाकी पूरा पत्ता जो है वो बन ही नहीं पाता। ये इसकी एक पहली पहचान है कि पौधे में कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी है। इसके अलावा कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप आसानी से पहचान सकते हैं। वो इसमें क्या होता है कि पत्तियों पर ये सफ़ेद सफ़ेद रंग की आपको लाइनिंग दिखाई देंगी मिडरिप के पैरेलल में, यानी कि जो पत्ती की वाइन्स होती हैं उसके परपेंडिकुलर आपको सफ़ेद रंग की इस तरीके की लाइनें यदि दिखाई देती हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे में कैल्शियम और बोरोन की डेफिशिएंसी है, और आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई फर्टिलाइज़र आपको इसको देना पड़ेगा। तीसरा जो लक्षण है जो आप आसानी से पौधे में पता लगा सकते हैं वो है कि यदि आप ऊपर की जो यदि 3 पत्तियों को गौर से देखें और यदि उनके वाइन्स जो हैं उभरे हुए दिखाई देते हैं, पत्ते की सतह से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपका कैल्शियम बोरोन की डेफिशिएंसी ही शो करता है। और जो चौथा सबसे पॉपुलर है वो आप यदि आप ये वाला जो निशान देख रहे हैं जो कि मिडरिप के पैरेलल में है और वाइन्स के परपेंडिकुलर आपको ये जो निशान दिखाई दे रहा है, यदि ये भी निशान आपको अपने केले के पत्ते पर दिखाई देता है तो ये भी इन्हीं 2 फर्टिलाइज़र की डेफिशिएंसी को शो करता है। इसके अलावा यदि आपके केले में बंच आ चुका है और केला अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं है और केला फिर भी फट रहा है तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि इसमें आपको बोरोन का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि केले में बोरोन की डेफिशिएंसी बहुत कम होती है, लेकिन जाड़ों के दिनों में जब पौधा जो है जड़ों से फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट्स उठाना बंद कर देता है उस समय केले में बोरोन की डेफिशिएंसी दिखाई देती है, जबकि ज़्यादातर आपको कैल्शियम की ही डेफिशिएंसी केले में दिखाई देगी। तो इसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम या तो कैलबॉट दे सकते हैं, एरिस कंपनी का ही एक ये प्रोडक्ट है, या फिर कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हैं, बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कैल्शियम और बोरोन का एक कॉम्बिनेशन वाला फर्टिलाइज़र भी आते हैं, आप यदि सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो इन सब का आप यदि रेगुलर स्प्रे करेंगे तो आपको ये डेफिशिएंसी इसकी दूर हो जाएगी। जाड़ों के दिनों में ये सारी जो डेफिशिएंसी इसलिए ज़्यादा आती हैं कैल्शियम और बोरोन की, क्योंकि जब हम लोग लगातार सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर बेंटोनाइड वगैरह का छिड़काव करते हैं या पानी के साथ देते हैं तो फिर क्या होता है, ये जो सल्फर है आपका कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बना लेता है और लीच कर जाता है, जिसकी वजह से पौधे में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, बेसिकली जाड़ों में। तो दोस्तों ये छोटी सी एक जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।